लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की धूम मची है और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन इसके बीच उदयपुर में लोगों को एक अजीब टेंशन मिल रही है। क्या है ये टेंशन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उदयपुर के चित्रकूट नगर की पालीवाल फैमिली में आगामी 25 अप्रैल को वैवाहिक आयोजन संपन्न होने वाला है, लेकिन इस आयोजन से पहले नगर विकास प्रन्यास से आए एक फोन ने पूरे परिवार के सदस्यों को सदमे में ला खड़ा किया है। दरअसल नगर विकास प्रन्यास ने पालीवाल फैमिली द्वारा कई महीनों पहले वैवाहिक आयोजन के लिए कराई गई चित्रकूट नगर सामुदायिक भवन की बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। यही नहीं, प्रन्यास के कर्मचारी द्वारा किए गए इस फोन के साथ ही हिदायत भी दी गई है कि वे अपने आयोजन के लिए कहीं अन्य स्थान तलाश कर लें। ऐसे ही फोन प्रन्यास के कर्मचारियों ने अन्य करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को भी किए, जिन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित सामुदायिक केंद्रों को कई महीनों पहले नियत शुल्क जमा कर बुक कर लिया था। लोकतंत्र के उत्सव से पहले खुद के पारिवारिक उत्सवों के रंग में भंग पड़ता देख ये पीड़ित लोग खासे व्यथित हैं। यही नहीं, इनकी परेशानी का हल निकालने के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इन्हें फुटबॉल बना दिया गया, जो कभी प्रन्यास कार्यालय तो कभी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तो कभी जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। मेरे भाई की शादी है अभी अप्रैल में, 23 अप्रैल की, और हम लोगों ने दिसंबर में ही बुकिंग, नवंबर दिसंबर में बुकिंग कराई थी, और अब आज मुझे सुबह कॉल आता है कि आपकी ये बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। अब बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं तो हम यहाँ आकर के मिल रहे हैं UIT पे, तो वो कह रहे हैं कलेक्ट्रेट पे मिले, कलेक्ट्रेट पे जा रहे तो बोल रहे SP से मिली, और SP बोल रहे हैं कि ये तो बुकिंग UIT ने करी है तो UIT जानेगा। अब हमारे पास में अब वो की विकल्प नहीं कि हम कहीं और जा करके बुकिंग कराएं, शादी टेंट सब कुछ खाने वाले सब कुछ वहाँ बुक हो चुका है। 6 महीने पहले हमने सामुदायिक केंद्र सवीना सेक्टर 9 में बुकिंग कराया था, और आज हमारे पास अचानक फ़ोन आया कि आप मतलब जो अपनी बुकिंग को निरस्त समझें और मतलब अपनी कोई और व्यवस्था करें। अब आप भी बताइए कि मैं मतलब क्या है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में कहाँ, जबकि हमारे शादी कार्ड वितरित हो गए, हमने मतलब जो हमारे बारात आने वाली है उसके लिए बाजे घोड़ी वगैरह सब हमने प्रबंध कर रखे हैं। ऐसा कतई नहीं है कि जिम्मेदार अधिकारी आम लोगों को हो रही इस पीड़ा से अनभिज्ञ हैं, लेकिन निर्वाचन कार्यों की मजबूरी के चलते इस परेशानी का उचित इलाज उनके पास नजर नहीं आता। हालांकि जब फर्स्ट इंडिया संवाददाता ने नगर विकास प्रन्यास के सचिव उज्जवल राठौर से बात की तो उन्होंने इन परेशान लोगों की समस्या का उचित निदान करने का आश्वासन तो जरूर दिया, लेकिन ये आश्वासन वैवाहिक आयोजनों वाले परिवारों के लिए तब तक शुभ नहीं हो सकता जब तक कि उन्हें इस पीड़ा का ठोस समाधान न मिल जाए। होता क्या है कि जो चुनाव की डेट्स डिक्लेयर नहीं होती उससे पहले ही लोग बागों ने सामुदायिक भवन बुक करा दिए होते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सामुदायिक भवन प्रशासन द्वारा एक्वायर किया जाता है उसको इस ढंग से समायोजित किया जाए कि लोगों को ज़्यादा कम से कम तकलीफ हो। उसके लिए जब तक पुलिस फोर्स नहीं आती है, टेंटेटिव जो डेट्स होती है उस समय तक तो हम उसको अलाउ करते हैं, फिर बाद में आ भी जाती है, तो कई जगह हमने बीच का रास्ता निकाला है कि जैसे किसी के एक आध दिन के लिए हॉल शादी का था, उसने कह दिया कि साहब मैं कमरे तो बाहर ले लूँगा, मुझे लॉन ले अलाउ कर देना, उसमें कोई व्यवस्था में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो उसको भी हम एकोमोडेट करते हैं। बहरहाल ये परेशानी भरा मसला भले ही निर्वाचन कार्यों के लिए सामुदायिक भवनों के अधिग्रहण के चलते उपजा हो, लेकिन इस समस्या का बड़ा कारक जिम्मेदार अधिकारियों की अदूरदर्शिता भी है, जिन्होंने लोकसभा चुनावों की संभावित तिथियों के अनुरूप इन सामुदायिक भवनों को बुकिंग से उन्मुक्त नहीं किया। रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर।